टेक्स टिप्स के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह आप जीरोधा के काइट में अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, पासवर्ड चेंज करने के लिए जीरोधा के काइट एप्लीकेशन पे लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद नीचे मेन्यू है और सबसे आखिरी ऑप्शन आपके अकाउंट का होगा, इस पर आप टैप करिए। टैप करते ही आपके अकाउंट सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इसमें आपको प्रोफाइल के ऑप्शन में जाना होगा। प्रोफाइल के ऑप्शन में जाते ही आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और इस प्रोफाइल में आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के सामने मैनेज का बटन है, इस पर टैप करना होगा। तो दोस्तों, अकाउंट सिक्योरिटी ओपन हो जाएगा और यहाँ सबसे पहले आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। चेंज पासवर्ड में सबसे पहले आपका करंट पासवर्ड आपको डालना होगा, यानी कि आप जो अभी यूज कर रहे हैं वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना होगा। मैं अपना करंट पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। मैंने करंट पासवर्ड ऐड कर दिया है और जो नया पासवर्ड आप बनाने जा रहे हैं, यहाँ न्यू पासवर्ड और उसी पासवर्ड को आपको कन्फर्म न्यू पासवर्ड में दोबारा एंटर करना होगा। तो न्यू पासवर्ड में जो मुझे नया पासवर्ड रखना है वो मुझे यहाँ एंटर करना है, तो मैं यहाँ पर टैप कर देता हूं और मैं नया पासवर्ड एंटर करता हूं। और कंफर्म न्यू पासवर्ड में आपको दोबारा आपका न्यू पासवर्ड टाइप करना होगा। कंफर्म न्यू पासवर्ड टाइप करने के बाद नीचे सबमिट का बटन है, पासवर्ड को चेंज करने के लिए सबमिट के बटन पर टैप कर दीजिए। दोस्तों, पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज होने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, यू विल नीड टू री लॉग इन टू ऑल योर काइट सेशंस अक्रॉस ऑल डिवाइसेस। यानी कि मैसेज में ये कह रहा है कि पासवर्ड चेंज हो चुका है और आपने जो भी डिवाइसेस में काइट से लॉग इन कर रखा है तो आपको दोबारा लॉग इन करना होगा जीरोधा के काइट को यूज करने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह बताए हुए स्टेप्स को फॉलो कर जीरोधा में आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।